बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्रीज बुक, ठीक है, हम वो डिस्कस करें। इससे पहले वाले हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हम डिटेल में डिस्कस कर मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक के साथ साथ बताती रही हूँ कि कौन सा पार्ट जो है वो इस टॉपिक का एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम भी इसको भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अब हम स्टडी करें, दैट इज पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ओके, सो पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स आर एनर्जी रिच सब्सटेंसेस फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनसे बनते हैं, ठीक है। अब इन फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। दे आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड अंडरग्राउंड फ्रॉम द रिमेन्स वंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देखिए, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स असल में उन ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, उनका जब वो गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, बिल्कुल उनकी हड्डियाँ भी गल सड़ जाती हैं, उनका जिसम भी गल सड़ जाता है, तो उन्हें फॉसिल कहा जाता है, ठीक है। अब वो फॉसिल जब एज अ फ्यूल के तौर पर एक्ट करता है, देन हम उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अच्छा, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं? कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है और नेचुरल गैस आ जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बेसिकली बनते हैं फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है, उनके फॉसिल से बनते हैं, उनके रिमेन से बनते हैं, जबकि जो कोल है, यानी जिसे कोयला भी कहा जाता है, वो बनता है फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। अगर प्लांट्स गल सड़ जाएं तो उनसे कोल बनता है, और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ओके, द नेम पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा, रॉक एंड ओलियम, ऑयल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है? क्रूड ऑयल। और इसका वर्ड जो है, इट हैज अ लैटिन ओरिजिन, ठीक है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, विच इज पेट्रा ओलियम, ठीक है, रॉक ऑयल। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, अब यहाँ पे डेफिनेशन की तरफ आ जाइए। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज अ थिक डार्क लिक्विड कंपोज्ड मोस्टली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम क्या है? एक थिक लिक्विड है जो कि डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउनिश या ब्लैकिश, ठीक है, और इसके अंदर हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन, ठीक है, और इस तरह के और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर मौजूद हैं। नेचुरल गैस यूजली एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ मीथेन। जिस जगह जनरली पेट्रोलियम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नीचे पाया जाता है, ऊपर से ऊपर थोड़ी सी क्या होती है, गैस डिपॉजिट होती है, जिसे नेचुरल गैस कहा जाता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या है? थिक डार्क लिक्विड है जो कि हाइड्रोकार्बन से बना होगा, और नेचुरल गैस जो है वो उसके ऊपर मौजूद होगी, ठीक है, दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द पेट्रोलियम। अब ये जो नेचुरल गैस है, ये बहुत सारे गैसेस से मिलकर बनती होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, लेकिन मेजर जो कॉम्पोनेंट होता है वो किसका होता है? मीथेन का होता है। इट ऑल्सो कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अभी जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बाकी भी, यानी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी मौजूद होते हैं, लेकिन मेनली क्या मौजूद होता है? मीथेन मौजूद होता है। ओके, नाउ वी हैव द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनता कैसे है, इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये तमाम के तमाम यहाँ पे देखिए, आपको क्या पता चला? फॉसिल फ्यूल्स वो कौन कौन से हैं, ये तीन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, ये जो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, इनको फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है? फिर पेट्रोलियम के वर्ड का ओरिजिन क्या है? पेट्रोलियम असल में है क्या, ठीक है, नेचुरल गैस असल में क्या है? ये आपको तीन चार क्वेश्चन देखिए सिर्फ एक पैराग्राफ से बन गए। सो आपने क्या करना है, जब भी तैयारी करनी है, आपने इस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म कर करके तैयारी करनी है। देन लेट अस कम टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इट इज बिलीव दैट पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि कई मिलियन साल पहले, कई लाख साल पहले जिंदा थे, ठीक है, उनसे बनता है ये, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन सीज डाइड, जब सी के अंदर, समुद्रों के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो रिमेन्स हैं, दे पाइल अप, उनकी जो हड्डियाँ हैं, सपोज वो एक लहर से आई, ठीक है, एक हड्डी आई, ठीक है, वो यहाँ जमा होगी, दूसरी आई वो यहाँ जमा होगी, तीसरी आई वो यहाँ जमा होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, हड्डियाँ जमा होगी, पाइल्ड अप हो गए,
ठीक है। देन अब देखिए, ये जब पानी की लहरें उठती हैं तो अपने साथ रेत भी लेके उठती है ना, क्यों, क्या होगा, रेत भी जो है वो इन हड्डियों के ऊपर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेयर बाय लेयर यहाँ पे जो है सैंड है या रॉक्स हैं या फिर मड हैं, वो इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। और यूं क्या हो जाएगा, जिस तरह कब्र में दफनाया जाता है, इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हड्डियाँ हैं ये दफन हो जाती हैं, ठीक है, उस सैंड या रॉक या उन मड के अंदर, ठीक है। ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, अब यहाँ पर जब ऊपर रेत चली गई तो नीचे क्या है, एयर मौजूद तो नहीं है ना, ठीक है, तो एयर की एब्सेंस में क्या होगा, एंड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द प्रेशर ऑफ द सेडिमेंट्स एंड बैक्टीरियल इफेक्ट चेंज द मटीरियल इंटू डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। अब क्या होगा, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो क्या करेंगे, इन जो फ्यूल्स सॉरी फॉसिल्स हैं, ये जो रिमेन्स हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको क्या कर देंगे, उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे, उनकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। फिर इसके साथ साथ क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ एयर है, ठीक है, और ऊपर से रेत और चूंकि रॉक्स ऊपर आते चल जाते हैं तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, और जो अर्थ की नीचे है वो हीट मिलती चली जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स काम कर रहे हैं, पहला फैक्टर क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर, सेकंड फैक्टर क्या है, नीचे से हीट, थर्ड फैक्टर क्या है, प्रेशर ऑफ द सेडिमेंट्स, एंड फोर्थ क्या है, बैक्टीरियल इफेक्ट। इन चार चीजों की वजह से क्या होगा कि दैट वो जो रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू थिक डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड। विस्कस क्या होता है, गाढ़ा लिक्विड, ठीक है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, क्रूड ऑयल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ मटेरियल क्या होगा, इस हीट की वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल गैस, और उसका आपको पता है कि मीथेन मेजर कंपोनेंट है और बाकी इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन भी उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सो होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम निकाली कैसे जाती है, पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट वेयर इट इज फाउंड, ठीक है। अब क्या होगा, हमें अगर सपोज पता चलता है कि इस जगह पे जो है वो हमें पेट्रोल मिल सकता है, तो क्या किया जाता है कि जमीन को ड्रिल किया जाता है और बड़े बड़े सुराख यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। जब ड्रिलिंग की जाती है तो वो कहाँ कहाँ से हो सकती है, वो नॉर्मल जो है वो जमीन से भी हो सकती है, फिर वो रॉक्स से भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ड्रिलिंग होगी तो देखिए मैंने आपको कहा था पहले नीचे पेट्रोल मौजूद होता है, ऊपर गैस मौजूद होती है, तो जो ही आप हल्का सा सुराख करोगे, ड्रिल करोगे, होल बनाओगे, तो क्या होगा, नेचुरल गैस फौरन से बाहर आएगी विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है। जब नेचुरल गैस अच्छी खासी अमाउंट में निकल जाएगी तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बस नेचुरल गैस निकलती रहेगी, जब वो थोड़ी अमाउंट में निकल रही है इसका मतलब उसका प्रेशर रिड्यूस हो गया, जब प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो क्या हो जाता है कि एक पंप के थ्रू यहां से ऑयल को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले पता लगाया जाएगा कि भाई यहाँ पर पेट्रोल हो सकता है, ठीक है। जब वो पता लगा लिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि जमीन के अंदर बड़े बड़े होल्स बनाए जाते हैं, जब जो ही होल बनाया जाता है तो जिस तरह देखिए आप बैलून के अंदर हल्का सा सुराख करते हैं तो प्रेशर से एयर उसके अंदर से निकलती है ना, गैस निकलती है, इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि दैट जो नेचुरल गैस है जो कि पेट्रोल के ऊपर एक्यूमुलेट हुई है वो फॉरन से बाहर निकलती है विद अ लॉट ऑफ प्रेशर। जब उसका प्रेशर खत्म हो जाता है, उसकी अमाउंट कम रह जाती है नीचे, तो क्या हो जाता है, फिर पंप अंदर भेजा जाता है उस होल के अंदर और फिर वहां से पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, हमें पेट्रोलियम क्या है, वो एक क्रूड ऑयल है, यानी एक ऐसा ऑयल जिसको रिफाइन नहीं किया गया, जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है, उसकी चीजों का अलहदा नहीं किया गया, तो अब क्या होगा कि उसकी चीजों का अलहदा करने के लिए क्या किया जाता है, इसको इसकी रिफाइनिंग की जाती है, इसको डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और वो ये होता है थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम देख लेते हैं असल में यहाँ पर होगा क्या, द कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग, ठीक है। दीज यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। हमारे पास क्या होगा कि क्रूड ऑयल को फाइनल प्रोडक्ट्स में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, गैसोलीन हो गया, ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है इसको कहा जाता है रिफाइनिंग, और ये जो आखिर में हमारे पास चीजें बनती हैं इन्हें फ्रैक्शंस कहा जाता है। ईच फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कैन बॉइल इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो फ्रैक्शंस हमारे पास बनते हैं ये भी कोई प्योर कंपाउंड नहीं है, जैसे सपोज हमारे पास नेचुरल गैस से सिर्फ मीथेन निकल आए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं है,
यहाँ पर भी सपोज ये जो आपके पास डीजल निकला है, इस डीजल के अंदर भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं, 10, 15, 20, 100, ठीक है? तो ये भी कोई एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, ओके? और इन ये जो फ्रैक्शंस होते हैं, इनको अगेन अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट करोगे, ठीक है, तो वो फ्रैक्शंस आगे इनके फर्दर अलहदा होते चले जाएंगे, ठीक है? पेट्रोल इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन अ टॉल फ्रैक्शनेटिंग टावर. अब क्या होगा कि जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल होती है वो, सॉरी, पेट्रोलियम होती है, नॉट द पेट्रोल. रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम जो होता है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है. और ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, इन अ लार्ज टावर होती है जिसको फ्रैक्शनेटिंग टावर कहा जाता है. ऐसा टावर जिसमें आपके पास फ्रैक्शंस अलग हो जाएंगे ऑयल के, पेट्रोलियम के, ठीक है? जो क्रूड ऑयल है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया. तो जो क्रूड ऑयल है उसको 400 डिग्री सेल्सियस तक पहले हीट किया जाता है, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर. प्रेशर कम नहीं किया जाता, या नॉर्मल एयर प्रेशर नहीं रखा जाता, ठीक है, इन अ फर्नेस, ठीक है. देन इट इज पास थ्रू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. जब इसको लार्ज टेम्परेचर पे यहाँ पर हीट कर लिया अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, तो इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है इनटू द फ्रैक्शनेटिंग टावर, ठीक है. ठीक है, इट्स वेपर्स राइज थ्रू द कॉलम. अब जब यहाँ पर इसको अंडर हाई हीट, ये देखिए हीट करके इसको पास किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये डिफरेंट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. अब क्या होगा, एज दीज हॉट वेपर्स मूव अप, जो जो ये हॉट वेपर्स जो हैं वो ऊपर चलते चल जाते हैं, दे कंडेंस अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू वेरियस फ्रैक्शंस. अब सपोज ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जिसको एलपीजी भी कहा जाता है, ठीक है, इसका जो कूलिंग टेम्परेचर है वो डिफरेंट है. जो गैसोलीन या पेट्रोल है इसका कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंट है. तो जब यहाँ पर वेपर्स पहुंचेंगे पेट्रोलियम के, ठीक है, जो कि बेसिकली गैसोलीन या पेट्रोल वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो यहाँ के कूल डाउन हो जाएंगे और यहाँ से सेपरेट आउट कर लिए जाएंगे, ठीक है. देखिए, देन इट इज पास थ्रू द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम, इट्स वेपर राइज थ्रू द कॉलम एज हॉट वेपर्स मूव अप, दे कंडेंस अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट इनटू वेरियस फ्रैक्शंस. द कंपाउंड्स विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंटेंस फर्स्ट नियर द बॉटम. अब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका क्या है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब सपोज थाउजेंड्स में है इनका बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, वो बस फौरन से यहाँ से निकल के क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो सबसे पहले कंडेंस होंगे. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखनी है. अब वो कंपाउंड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, दे कंडेंस नियर द टॉप. तो मतलब देखिए एलपीजी है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है, इस वजह से वो सबसे टॉप पे कंडेंस हो रहे. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो वेपर्स हैं उसका जब बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, तो उसके वेपर्स बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा, ठीक है. लेकिन वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसके वेपर्स इतनी आसानी से नहीं बनेंगे, तो बस वो थोड़े थोड़े बनते चल जाएंगे और यहाँ पर कंडेंस होकर सेपरेट आउट होते चल जाएंगे, उसको ज्यादा ऊपर मूव करने का चांस ही नहीं मिलेगा, ठीक है. अब वो कंपाउंड जो कि बॉयल ही नहीं हो रहे, 400 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे भी बॉयल नहीं हो रहे, उनको क्या कर लिया जाता है, उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है एज अ रेजिड्यू, ठीक है. इन दिस वे वेपर्स कंडेंस ग्रेजुअली एट डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट. देयरफॉर क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू वेरियस फ्रैक्शंस, ईच फ्रैक्शन हैज इट्स स्पेसिफिक बॉइलिंग रेंज एंड कंपोजिशन, ठीक है. हर फ्रैक्शन की क्या है, अपनी बॉइलिंग रेंज है और अपनी कंपोजिशन है. जैसे सपोज देखिए यहाँ पर, अच्छा पूरा प्रोसेस एक दफा मैं आपको पहले रिव्यू कर देती हूँ. आपके पास पहले क्रूड ऑयल आया था. क्रूड ऑयल कैसे आया था, आपने उसको जमीन से हासिल किया था बाय ड्रिलिंग, ठीक है. पहले नेचुरल गैस निकली और फिर उसके बाद आपके पास पेट्रोलियम आ गया, ठीक है. ये जो पेट्रोलियम है आपने उसको क्या करना है, आपने उसको एक फर्नेस के अंदर सबसे पहले 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे आपने हीट करना है, और फिर आपने उसको फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना है. अब क्या होगा कि दैट जब ये क्रूड ऑयल को आप हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अब वो पार्ट्स या वो फ्रैक्शंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो सबसे एंड पे जो है, मतलब लाइक वो एवेपरेट होंगे, ठीक है, और वो बहुत जल्दी कंडेंस होकर सेपरेट आउट कर लिए जाएंगे. और वो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, वो बहुत जल्दी एवेपरेट हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाके कंडेंस होते चल जाएंगे और इनको सेपरेट होते चल जाएंगे. अब देखिए आपके पास यहाँ पर
अच्छा, और इसके बाद वो कंपाउंड्स जो कि बॉयल हो ही नहीं रहे, ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं आ रहा 400 के अंदर अंदर, उन वो एवेपरेट नहीं होंगे, और वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट कर लिए जाएंगे एज बिटुमिन या एज अ रेजिड्यू, ठीक है। तो यूं आपके पास जो पेट्रोलियम है उसके डिफरेंट फ्रैक्शंस बन जाते हैं, जिसे एलपीजी हो गया, गैसोलीन या पेट्रोल हो गया, ठीक है, नेफ्था, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, फ्यूल ऑयल, ठीक है, एंड देन यू हैव द रेजिड्यू। अच्छा, अब देखिए डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स की तादाद है वो वेरी करती है, ठीक है। जैसे एलपीजी के अंदर सिर्फ एक मिथेन ही नहीं होगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, और डिफरेंट ऑक्टेन वगैरह भी हो सकता है। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास क्या होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन मौजूद होंगे। इसी तरह हर जो फ्रैक्शन है उसका अपना एक बॉइलिंग टेम्परेचर की रेंज है। ओके, यहाँ पे देखिए आपके पास फ्रैक्शन बताए गए हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, बॉइलिंग पॉइंट और इंपॉर्टेंट यूजेस। जैसे एलपीजी जो है वो 1 to 4 कार्बन एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करती है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल भी इसके अंदर होगा जो कि सिर्फ सिर्फ एक कार्बन कंसिस्ट करता है, वो भी होगा जो कि 4 कार्बन कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बिलो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने कहा था जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर जाके कंडेंस होगा, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इट इज द सिलेंडर गैस फॉर कुकिंग। सिलेंडर्स के अंदर जो गैस जलती है वो क्या है, एलपीजी है, दैट इज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी वो गैस है जिसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है जो सिलेंडर है उनको हीट के पास ना रखो, क्यों, क्योंकि जो वो लिक्विड पेट्रोलियम था वो कन्वर्ट हो जाता है इंटू द गैस, और यूं क्या होगा कि वो सिलेंडर के अंदर आएगा नहीं, और सिलेंडर क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। देन यहाँ द पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कार्बन एटम्स 5 to 10 रेंज में होते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 35 से 70 डिग्री सेल्सियस है, और ये व्हीकल्स या मोटर कार्स वगैरह में फ्यूल के तौर पे यूज होता है। देन वी हैव द नेफ्था, 8 to 12 कार्बन एटम्स मौजूद हो सकते हैं, 70 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट है, एंड देन इट इज यूज फॉर केमिकल फीड स्टॉक फॉर मेकिंग ड्रग्स, प्लास्टिक्स एंड अदर केमिकल्स। यानी क्या होगा, नेफ्था को एज इनिशियल कॉम्पोनेंट यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक्स और डिफरेंट तरह के केमिकल्स। देन यू हैव द कैरोसिन, कैरोसिन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो 10 से लेकर 16 होते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 170 से 250 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, एंड इसको जेट प्लेन्स के अंदर फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हीटिंग पर्पजेज के लिए, लाइटनिंग और कुकिंग पर्पजेज के लिए भी कैरोसिन ऑयल या इसको फ्यूल को यूज किया जाता है। देन यू हैव द डीजल फ्यूल, ठीक है, जिसके अंदर 14 से लेकर 20 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, 270 से लेकर 340 इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड देन ये जो बड़े व्हीकल्स होते हैं जैसे बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स वगैरह, उनके अंदर यूज किया जाता है फॉर फ्यूल। ओके, नाउ यू हैव द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, इट कंसिस्ट 20 to 50 एटम्स, कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है। देन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 350 से 500 डिग्री सेल्सियस है, एंड देन चूंकि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है तो मशीन्स को, इंजन्स को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, यानी उनको थोड़ा यू नो गीला गीला करने के लिए यूज किया जाता है, वैक्सेस के तौर पे यूज किया जाता है, पॉलिशेस के तौर पे यूज किया जाता है। देन यू हैव द फ्यूल ऑयल, 50 से लेकर 70 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ठीक है, एंड देन ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 500 to 600 डिग्री सेल्सियस, और इसको यूज किया जाता है पावर स्टेशन, फैक्ट्रीज या शिप्स वगैरह के अंदर फ्यूल के तौर पे, ठीक है। देन यू हैव द बिटुमेन जो कि रेजिड्यू है, इसके अंदर 70 से ज्यादा कार्बन एटम मौजूद होते हैं पर मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, ठीक है। और इस बिटुमेन को यूज किया जाता है रोड्स वगैरह को बनाने के लिए या रूफिंग मटेरियल को बनाने के लिए। सो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो चुका है। कोई क्वेश्चन जो कि आपके जहन में, वो आप फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये चीज हम देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शंस क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए, पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस कैसे अलग किए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी कहा सकता है एक्सप्लेन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, व्हाट इज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो आपने ये देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है। अगर रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम लॉन्ग में आ रहा है, ठीक है, तो आपने फ्रैक्शंस भी बताने हैं, फ्रैक्शंस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ सिर्फ शॉर्ट में आ रहा है तो आपने पूरा रिफाइनिंग का ये जो प्रोसेस है वो बता देना है, और ये हल्की सी ये डायग्राम आप रफ सी बना लीजिएगा, ठीक है।
अच्छा, फिर ये जो आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका बॉइलिंग टेम्परेचर रेंज पूछी जा सकते हैं, इनके इंपॉर्टेंट यूजेस पूछे जा सकते हैं। आपको शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि कुछ फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम उनके आप जो है वो इंपॉर्टेंट यूजेस बता दें, और आपको जो है वो ये भी कहा जा सकता है कि आप जितने भी पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस हैं वो बताएं, वो कौन कौन से हैं और उनकी डिटेल्स बताएं। तो आपको इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन को देख के शॉर्ट में पूछा गया है, लॉन्ग में पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, ये सब कुछ देख के आपने आंसर करना है।